एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पब्लिक गवर्नेंस तो ठीक है, उसमें एथिक्स की जरूरत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कैसे उसको इंश्योर करें, तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। रूल्स, मान लो कोई रूल है उसमें, क्योंकि देखो लॉ लेजिस्लेटिव ब्रांच बना देती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है। जब उनको एग्जीक्यूटिव ब्रांच इम्प्लीमेंट करती है तो इट इम्प्लीमेंट थ्रू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन होती है कि कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अगर वो डिस्क्रिशन एथिकली एक्सरसाइज की जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या नुकसान हैं, वो सब बातें इसमें डिस्कस होंगी। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस मतलब पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द गवर्नेंस कि गवर्नेंस में क्या आपकी वैल्यू होनी चाहिए, एंड प्रॉबिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। सो व्हाट एवर इंटीग्रिटी इज इन योर पब्लिक लाइफ, सॉरी व्हाट एवर इंटीग्रिटी इज इन योर पर्सनल लाइफ, वही चीज जब गवर्नेंस में इंप्लीमेंट की जाए तो उसको प्रॉबिटी बोला जाता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, बेसिकली इट इज ऑल अबाउट गुड एंड एथिकल गवर्नेंस कि कैसे वो इंश्योर की जाए। चैलेंजेस, योर करप्शन रिलेटेड इश्यूज, एंड देन योर केस स्टडीज ऑन द अबव इश्यूज। दिस वॉज मेनली द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ योर होल सिलेबस। और जैसे मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में एक बार में आपको सारा मटीरियल बताया, और भी आप जैसे देख सकते हो कि आजकल क्या क्या चीजें, आपका जो कोचिंग मटेरियल दे रहा है वो कैसे डेफिनेशन लिख रहा है, उसका कुछ आपको रेलेवेंट चीज लग रही है जो आपको कहीं और नहीं मिली, इंटीग्रेट इन विद योर मेन मटेरियल एंड देन स्टडी एंड कीप अपडेटिंग एग्जाम्पल एज एज मैनी एज यू कैन एंड देन जस्ट रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। फॉर इट आंसर राइटिंग के लिए आप यही कर सकते हो, पहले टॉपर्स कॉपी पढ़ो, धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो, लिखो उसको प्रॉपर लिखो, अदरवाइज सब चीजें सेम लगेंगी कि इंटीग्रिटी भी वही है, प्रोबिटी भी वही है, ऑनेस्टी भी वही है, तो डिफरेंस कहाँ लिखे हैं हम। वो चीजें आएंगी विद प्रैक्टिस एंड विद मोर मोर एंड मोर रीडिंग, एंड देन न्यूज़पेपर्स एग्जाम्पल्स लिखो और फिर इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दिस इज आई थिंक द बेसिक डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर करके उनकी डेफिनेशन लिख के यू कैन प्रिपेयर। जो भी आपको बुक सही लगे उससे पर सिलेबस कवर कीजिए। पहले एक ढांचा तैयार होता है फिर उसको भरा जाता है। फाइन, जैसे ही बिल्डिंग होती है तो जैसे एक तरीके से पहले आप ढांचा खड़ा करते हो तो एक तरीके से आप सिलेबस कवर करते हो। आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी तो उसमें कहीं कहीं खिड़की लगेंगी, कहीं दरवाजे लगेंगे, तो मतलब आप उसमें फिर क्वालिटेटिवली ऐड करोगे, फिर कहीं ना कहीं लास्ट में जाके उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग भी होती है, मतलब और एग्जाम्पल्स नए नए, ठीक है, और चीजें जो कहीं और शायद किसी ने किसी को पता भी ना हो, तो आप वो एग्जाम्पल्स लिख के अपने आंसर्स को थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ डीप यू आर इन्वेस्टेड इन दिस पेपर, एंड दिस विल डिटरमाइन कि हाउ मच इट कैन गिव यू बैक। ऐसा बोला जाता है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट GS 1 2 3 में कहीं ना कहीं पेपर मतलब जो इन जनरल टॉपर्स की मार्कशीट वो ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज बराबर एवरेज हो जाता है, बट एथिक्स तो दिस 1 2 3 विल डिसाइड योर सिलेक्शन, बट ऐसे एथिक्स एंड योर ऑप्शनल दे विल डिसाइड योर रैंक। इसीलिए इसमें आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना इट विल हेल्प यू मोर। नाउ वी विल टेक योर क्वेश्चंस एंड यू डे बिफोर दैट इफ देर एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट मी टू डिस्कस, अदरवाइज यू कैन टेल मी द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड वो एवर इज इन प्रेजेंट डायरेक्टली लिंक टू मी यू कैन गिव इट इन द चैट बॉक्स। जो जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स, जब भी कभी आप कोई और भी चीज़ों, जब स्पेशली उन दिनों में जहाँ पे पढ़ाई करने की मन नहीं कर रहा है, या मतलब कुछ टाइम पीरियड है मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे कोई मूवीज हैं जो जनरली आपको लगता है कि ये ऐसे के लिए अच्छा है, या पेपर वन, जैसे हमने उस दिन संसद टीवी के भी बारे में बात किया था कि उसमें कुछ कुछ प्रोग्राम जो है आपको करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग व्यूज एंड काउंटर व्यूज, वो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाली सीरीज है स्पेशली फॉर पीपल फॉर हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल, तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि मे नॉट बी ओनली रिलेटेड विद जीएस पेपर, बट ओवरऑल में आपको लगता है कि बच्चों ने देखनी चाहिए,
या कोई चैनल्स ऐसा कुछ जी. आई गेट योर क्वेश्चन.